सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ब्लूटूथ हैंडफ्री। तो इसको किस तरह से रिपेयर करना है इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दी है और एक एक चीज़ के बारे में बताया है कि ये हैंडफ्री कहाँ कहाँ से ख़राब होती है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या मतलब क्या ख़राबी, इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये ऑन हो चुका है। ठीक है जी, अब इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं कोई सॉन्ग चला के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कोई सॉन्ग लगा के दिखाता हूँ आपको। इसका एक ईयरफोन चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये वर्क कर रहा है, ये वाला वर्क नहीं कर रहा। देखिए, ठीक है जी, तो अब इसको इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ख़राब वाली साइड है उसको खोलना है। यहाँ से ये बहुत टाइट है, सॉरी, इसको एहतियात से खोलना है। समझ, एक मिनट, किसी स्क्रू ड्राइवर के मदद से आप इसको पहले मारें। देखिए, समझ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खुल गया। तो इसके अंदर से ये निकाल देना है, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये देखें, ये वायर इसकी टूट चुकी है, ये वायर इसकी टूट चुकी है। तो हमें सबसे पहले तो इस वायर को लगाना है। तो क्या दिख रहा होगा, ये वायर, ये छोटी सी वायर है, दिख भी नहीं रही है कैमरे में। इसको हमने सोल्डर करना है। तो पहले तो इसको हम साफ करेंगे। एक बात याद रखना, आप जब भी हैंडफ्री के वायर्स को सोल्डर करें तो आपने 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना है, 30 वाट, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत कमज़ोर होते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो अभी मैं इसको सोल्डरिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सर, मैं इसकी वायर्स को सोल्डर कर देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन है। देखिए, सोल्डरिंग हो चुकी है वायर्स की, दिख रहा होगा आपको, सही है जी। अब इसके बाद हम इसको वापस लगा देंगे। हम वापस से फिट कर देंगे, इसके ऊपर का जो कवर होता है वापस लगा देंगे। और अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। अब सेकंड स्टेप में हमने इसे फिर से चेक करना है कि इसका जो ख़राब वाला हिस्सा था वो चल रहा है कि नहीं। तो हम फिर से म्यूज़िक लगाएंगे इस पर। ये देखिए, ये वाला भी तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये वाला वैसे का वैसा ख़राब है। ये देखिए, आपको मैं सुना देता हूँ इसकी आवाज़, लेकिन ये नहीं चल रहा।
ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में हमें ये करना है कि हमें इसका ये हिस्सा खोलना है। सॉरी, पहले मैं इसका गाना बंद कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे बंद कर देंगे वापस से। अब इसका ये हिस्सा खोल देंगे हम। ये देखिए खुल चुका है। ये देखिए, ये इसका पूरी वायर इसकी बिल्कुल अलग हो चुकी थी, तो ये इसकी खराबी थी। अब हम इन वायर्स को वापस से लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इनको सोल्डर करेंगे। सोल्डरिंग के लिए मैं फिर से 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज कर रहा हूँ। देखिए जब तक सोल्डरिंग ना हो आपको ये करना ही पड़ेगा बार बार, क्योंकि यहाँ पर सोल्डरिंग बहुत मुश्किल से होती है। बहुत सारे यूट्यूबर इसको जला के करते हैं, लेकिन मैंने उस तरह से ट्राई किया, वो नहीं होता। जला के करने से बहुत हार्ड है। इससे अच्छे से तरीके से देखिए हो गया। देखिए ये इसकी सोल्डरिंग हो चुकी है। जी से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो चलिए अब इसको इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं। ये तो ये देखिए यहाँ से हटा था, इस जगह से, ये दो जो लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, तो हम इसको यहीं पर सोल्डर कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सोल्डरिंग हो चुकी है। अब इसको हम चला के देखेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर देंगे। फिर से हम सॉन्ग लगाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्टेड। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब जाके हम इस पे सॉन्ग लगाएंगे। ये देखिए, पहले तो मैं आपको इसका सुनाऊं कि ये पहले से ठीक था। ये देखिए ये ठीक, और अब जब हमने दूसरा सेकंड वाला ठीक किया था, अब इसको सुनाएंगे, सुनाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये रिपेयर हो चुका है। ठीक है जी, अब जो तीसरा स्टेप है फिलहाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए अगर ये बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल वर्क ही ना करे, जैसे अभी मेरा ऑन हो रहा था लेकिन आपका ऑन ना हो, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसकी बैटरी की वायर जो है ये अटैच है या नहीं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरी अटैच है तो ये वर्क कर रहा है। कई बार इसकी बैटरी की वायर टूट जाती है तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो आपने बैटरी की वायर अटैच करनी है, और अगर फिर भी वर्क ना करे तो मतलब आपकी बैटरी ख़राब है। तो आपने बैटरी चेंज करनी है और आपका ये हैंड फ्री बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज यही थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक मिनट। बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए। तो चलिए
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।